दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जीआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ हम बात करें सीआईबी का एबी में एडवांस बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल ए है, यूनिट 3 है, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है। या एक छोटा सा अनाउंसमेंट करें, वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं, कि शॉर्ट टर्म दूसरा इंडेफिनिट, दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में देखेंगे, जो मर्जी वो कोर्स कर सकते हैं आप। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 10 मिनट का भी अगर आप समय निकाल के पढ़ते हैं अगर, तो आराम से आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 22 घंटे का ये टोटल इसमें वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। दूसरा इन डेप्थ वीडियो, यहाँ पे आपको 75% एंड अबव नंबर के लिए बहुत बढ़िया है कोर्स है ये आपको हर दिन 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होते हैं, केस स्टडी का वीडियो होता है, 12 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स है, वैलिडिटी 6 महीने, अवेलिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी अगर करिए एबीएम बीएफएम डिजिटल बैंकिंग, सभी का दाम 1000 रुपये, सभी का दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम है 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, यहाँ दाम है 3500 रुपये। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे सीआईबी का मोड एबीएम एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल ए, यूनिट नंबर 3 है, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन हमारा चैप्टर का नाम। सबसे पहला पॉइंट है हम लेते हैं इन्फ्लेशन। तो आप इन्फ्लेशन से समझते क्या हो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या, क्या समझ में आ रहा है इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन हम ये बोलते हैं किसी भी सामान, कोई गुड्स हो या सर्विस हो, जिसकी प्राइस समय के साथ बढ़ते रहती है। क्या है? समय के साथ बढ़ते रहती है। मान लीजिए एक पेन का दाम 5 रुपये था, कुछ समय के बाद इस पेन का दाम 10 रुपये हो गया, यानी पेन तो उतना ही लगा खरीदने में, बट आपकी प्राइस ज़्यादा लगती है। इसको एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, एक पेन आप खरीद रहे हो, यहाँ प्राइस हमने लिख दिया जिसका दाम 2005 रुपये था, 2010 में इस पेन का भी दाम 5 रुपये था। फिर इसी पेन को आप जब खरीदने आते हो 2010 में, ठीक है, खरीदा तो आपको ये प्राइस है, जब 2020 में आप खरीदते हो इस पेन का दाम 10 रुपये हो गया। एक ही पेन खरीद रहे हैं बट आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी हम बोलेंगे आपको हाइयर प्राइस पे करना पड़ रहा है विद टाइम, ठीक है, समय के साथ। हम इसी चीज़ को एक भाषा में लिख सकते हैं कि जो जनरल राइज हो गया प्राइस का, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, ठीक है, इकोनॉमी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो प्राइस हो रहा क्या, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का गुड्स और सर्विसेज में इकोनॉमी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से परचेजिंग पावर कम जाती है। अब जो आदमी 5 रुपए में एक पेन खरीदा था, उसको 10 रुपए देना पड़ेगा, हर किसी के पास उतना रुपए तो नहीं हो, यानी 2010 में ज्यादा लोग खरीद रहे होंगे सामान 2020 की अपेक्षा, ठीक है, तो हम इसकी वजह से क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन लीड्स टू द फॉल इन परचेजिंग पावर। तो इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर। तीसरा, इन्फ्लेशन का टू इफेक्ट्स होता है, दो तरह के इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, अच्छा इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। हम बोलेंगे इन्फ्लेशन का टू वे इफेक्ट्स होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, दूसरा नेगेटिव इफेक्ट्स भी होता है। दो तरह का इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपने पिछली अब हम बात करेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन का।
क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? पहला क्या, हायर प्राइस पे करना पड़ रहा है, पहला क्या हो गया हायर प्राइसेस आपको पे करने पड़ रहे हैं, हायर प्राइसेस पे करने पड़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर टू हो जाएगा जो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या हो जाएगा इस केस में कि जो रियल वैल्यू है प्राइस का, उसमें स्टेबिलिटी में लॉस आ रहा, लॉस इन स्टेबिलिटी ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि अब आपको सामान के लिए पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, राइट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपको, ये डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट ना करें आप, ठीक है। इतना इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ रहता है, आप सोचो क्या इन्वेस्टमेंट करें, मुझे क्या मिलने वाला, ठीक है, तो डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट। फिर ये डिस्करेज करता है आपको सेविंग्स के लिए भी, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। पॉइंट नंबर फाइव, अब जो इन्फ्लेशन जो होता है हम बोलते हैं कुछ मैन मेड हुआ है, कुछ मैन मेड किया हुआ रहता है। जैसे आप होर्डिंग करते हो गुड्स को, जैसे मान लीजिए, जैसे आप सुनते होंगे प्याज का दाम बढ़ गया, टमाटर का दाम बढ़ क्यों बढ़ गए, क्योंकि आपने जमाखोरी कर लिया है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कुछ जो मैनमेड होती है वहां हम बात कर रहे हैं कि ड्यू टू होर्डिंग्स ऑफ गुड्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स, छठा पॉइंट। अब इसके बाद क्या हम बात करेंगे, इसके बाद नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा इन्फ्लेशन का, कुछ बता सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है इन्फ्लेशन का? सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का कि इसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन कम होता है, ठीक है, ज्यादा सैलरी मिलने लगती है, तो आप बोल सकते हैं मिटिगेट्स मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन को कम कर देता है। दूसरा पॉइंट कुछ बता सकते हैं इसमें हो जाएगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है इन्फ्लेशन का? यहां हो जाएगा आपका एक और, वो ये है कि जो आपने लोन लिया होगा, ठीक है, जो लोन की जो वैल्यू होती है उसमें रिलीफ होता है, डेप्ट रिलीफ होती है, हम बोल सकते हैं रिलीफ इन द रियल वैल्यू ऑफ डेप्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर होता है तो किसी भी सामान का दाम बढ़ जाता है, इसके से आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए डेप्ट जो होता है उसकी वैल्यू आपको बहुत कम लगेगी, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिए। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म और इंडेक्स वीडियो, दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे जब आप लॉग इन करेंगे, जो मर्जी वो पढ़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि 10 मिनट का टाइम भी है तो आप आराम से पेपर पास कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर लेंथ जो होता है 22 घंटे का लेक्चर का इसमें लेंथ होता है, ठीक है। और दूसरा साइड में इंडेक्स वीडियो, अगर आपको 75% एंड ओवर नंबर लाना तो बहुत बढ़िया कोर्स है, हर दिन आप एक घंटा का समय निकाल के पढ़ाई करिए, ठीक है। 80 घंटा का वीडियो लेक्चर इसमें लेंथ होता है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होते हैं, केस स्टडी का वीडियो होता है, 12 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स है, यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई पेपर करे एबीएम बीएफएम डिटेल बैंकिंग सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये है, एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 1700 रुपये, दाम 2700 रुपये, अगर आप कॉम्बो पे करेंगे दाम 2300 रुपये, दाम 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 9508536524, वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbsavimedigi.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sitsina123@gmail.com, या सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।